अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बी नेचुरल सीक्रेट्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप डिफरेंट तरीक़ों से ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप बेबी मसाज ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपकी स्किन को सूट हो वही ऑयल आप यूज़ करें। सबसे पहले हमें क्लीन बाउल में पोटैटो जूस निकाल लेना है। 1 स्पून जितना मैंने पोटैटो जूस यहाँ पर निकाल लिया है। अब उसमें हम 1/2 स्पून जितना हनी ऐड करेंगे और नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें हम 1/2 स्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब आप इसे मिक्स करोगे तो ये जूस जैसा लगेगा। गाइस, ये आपके डार्क पैचेस को दूर करने के लिए, आपके स्पॉट्स को लाइट करने के लिए बहुत हेल्प करता है। तो आपको एक कॉटन बॉल की हेल्प से इसे अपने डायरेक्टली फेस पर, जहाँ पर आपको डार्क पैचेस है, डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, रेड स्पॉट्स है, तो वहाँ पर आप इसे लगा लें और 10 मिनट्स तक इसी तरह लगा रहने दें। फिर आप नॉर्मल पानी से फेस वॉश कर लें। इसका रिजल्ट सच में बहुत अच्छा है। ऐसा आपको वीक में 2 टाइम्स करना होगा। नेक्स्ट हम एक क्लीन बाउल ले लेंगे। उसमें हम 1 चम्मच चावल का आटा निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं स्क्रब बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से आटा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें मैं 1 स्पून जितना ऑलिव ऑयल ऐड करूँगी, इसे मिक्स करेंगे और थोड़ी सी मैं इसमें हनी ऐड करूँगी और ये हमारा स्क्रब बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे अच्छे से मिक्स कर ले और डायरेक्टली अपने फेस पर, नेक पर इसे अच्छे से स्क्रब करें। 2 मिनट तक आपको अच्छे से इसे फेस पर स्क्रब करना है और उसके बाद आप गुनगुने पानी से फेस वॉश कर सकते हैं। ऐसा आपको वीक में 2 टाइम्स करना होगा। इससे आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होगी और लाइट भी होगी। नेक्स्ट हम एक क्लीन बाउल ले लेंगे और उसमें हम 1 स्पून जितना हनी ऐड कर लेंगे और इसमें 1 स्पून जितना ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। स्टीम लेने से पहले आपको इसे अपने फेस पर मसाज करनी है और फिर आप स्टीम ले लें। आप नोटिस करोगे कि आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट मुलायम हो गई है और विंटर में जो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है वो भी सॉफ्ट हो जाएगी और ये स्किन वाइटनिंग के लिए भी बेस्ट है। तो आप जब भी स्टीम लो उससे पहले इसे ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करने के बाद आपको इसका रिजल्ट कैसा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम एक क्लीन बाउल ले लेंगे। यहाँ पर मैं पैक बना रही हूँ तो 1 स्पून जितना मैं मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ। अब 1 स्पून जितना हम इसमें ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ये ऑल टाइप स्किन के लिए बेस्ट है। विंटर्स में आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। मेरी स्किन ऑयली है तो मैं यहाँ पर रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप रॉ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और ये आपका पैक बिल्कुल रेडी हो गया है। इसे आप लगा कर सुखा लें और फिर नॉर्मल पानी से आप फेस वॉश कर सकते हैं। विंटर्स में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इस पैक में मैंने ऑयल को ऐड किया है तो ये आपकी स्किन से ड्राइनेस को दूर करने में भी हेल्प करेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल का यूज़ मेकअप निकालने के लिए, मेकअप रिमूव करने के लिए भी यूज़ करती हूँ। तो डायरेक्टली आप एक कॉटन बॉल ले लें या कॉटन पैड ले लें, इसे आप ऑयल में डिप करें और इसे आप अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं। ईजिली मेकअप भी रिमूव हो जाएगा और आपकी स्किन है वो ड्राई भी नहीं होगी। विंटर्स में अक्सर मेकअप रिमूवर यूज़ करने से स्किन ड्राई हो जाती है। तो गाइस, आप इसे ट्राई करके एक बार देखिए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। सो गाइस, अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। बाय गाइज़।